हे गाइस, तो चलिए आज बनाते हैं वाइट सॉस, यानी कि एक बेस रेसिपी है वाइट सॉस की। आप इसको पास्ता में तो यूज़ कर ही सकते हैं, लेकिन आप बहुत सारी दूसरी रेसिपीज़ में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। बेस रेसिपी इसलिए क्योंकि आप पास्ता के अलावा स्पैगेटी, मैक एंड चीज़, बेक पास्ता में या फिर नाचोस के साथ आप इसका डिप यूज़ कर सकते हैं, लजागना में या फिर सॉटे करी वेजिटेबल उसमें आप इसे ऐड कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। और सूप्स में इसका आप यूज़ कर सकते हैं। और इसकी जो शेल्फ़ लाइफ है, आप इसका यूज़ जो है एक हफ्ते तक कर सकते हैं, आप कंटेनर में बंद करके रखें। और जब भी आपका मन करे पास्ता बनाने का, स्पैगेटी बनाने का या फिर सूप बनाने का, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। बहुत ईजी है बनाना, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो एक कढ़ाई ले ली है, गैस का जो फ्लेम है बिल्कुल आप जो है लो रखेंगे, सबसे कम जो मतलब फ्लेम का होता है वो। और इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून बटर, बटर को मेल्ट कर लेंगे और उसके बाद उसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून मैदा और इसे लगातार चलाते रहेंगे। फ्लेम को बिल्कुल आप स्लो रखेंगे और लगातार चलाते रहेंगे, कम से कम 2 मिनट तक आप इसे भून लेंगे। हमारा जो मैदा है वो जलना नहीं चाहिए। इसकी जो शेल्फ लाइफ है एक हफ्ता है, आप एक हफ्ते तक जो है इसका यूज कर सकते हैं फ्रिज में लेकिन आपको इसे फ्रिज में रखना होगा, बाहर नहीं। तो ये देखें, यहाँ पे हमारा जो मैदा है भुन चुका है और अभी हम इसमें डालेंगे दूध। दूध का जो यूज़ है यहाँ पे कम से कम 350 ml या फिर 400 ml के करीब मैंने किया है। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें दूध डालेंगे ग्रेजुअली, और लम्स यहाँ पे जो है गांठे नहीं पड़नी चाहिए मैदा में। तो यहाँ पे जो आप विस्कर का यूज़ भी कर सकते हो, इस तरह से लगातार चलाना है। और दूध जो लिया है मैंने ल्यूक वार्म लिया है, हल्का गर्म लिया है, ठंडा दूध नहीं लेना है। ठंडा दूध अगर आप यहाँ पे यूज़ करोगे तो इसमें गांठें पड़ जाएंगी। आप चाहो तो इस वक्त जो है गैस बंद कर सकते हो और धीरे धीरे करके हम जो है सारा दूध इसमें डाल देंगे और लगातार इस तरह से हम कंटिन्यूसली स्टर करते रहेंगे ताकि जो है इसमें लम्प्स ना पड़े। तो ये देखिए बिल्कुल भी इसमें गांठें नहीं पड़ रही हैं। तो अब हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, कुछ हर्ब्स ऐड करेंगे। 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने डाला है चिली फ्लेक्स, और ऑरिगेनो डालेंगे 2 टीस्पून, और ब्लैक पेपर पाउडर जाएगा इसमें 1 टीस्पून के करीब। यानी कि जो भी चीज़ें मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आप टेस्ट के अकॉर्डिंग अपने स्वाद के अनुसार इसमें डाल सकते हो, ठीक है। तो अच्छे से हम इसको मिक्स कर देंगे और गैस का जो फ्लेम मैंने ऑफ किया था अभी मैं ऑन कर दूंगी, और जो फ्लेम है बिल्कुल लो रहेगा जैसे कि मैंने पहले बोला। और अभी मैं इसमें डालूंगी नमक 1 टीस्पून, और लगातार इस तरह से चलाते रहेंगे। ये जो सॉस है ये धीरे धीरे गाढ़ी होती जा रही है, तो पहले मैंने जो है 300 ml के करीब दूध लिया था, लेकिन ये गाढ़ी हो रही है तो मैं इसमें जो है 50 ml या फिर 100 ml दूध और डालूंगी धीरे धीरे करके, और जो दूध होगा वो ल्यूक वार्म होगा। तो अच्छे से मिक्स कर लिया दूध को। इसके बाद एक स्लाइस मैंने यहाँ पे लिया है, चीज़ स्लाइस लिया अमूल का, आप चाहो तो क्यूब भी ले सकते हो, जो क्यूब आते हैं ना वो। और यहाँ पे डालेंगे 1 टीस्पून शुगर यानी कि चीनी। शुगर से मतलब टेस्ट अच्छा आता है थोड़ा सा मिठास में, तो लगातार चलाते रहेंगे ताकि जो ये स्लाइस हमने इसमें डाली है वो मेल्ट हो जाए। आप चाहो तो इसमें पिज्जा सीजनिंग डाल सकते हो, उससे भी फ्लेवर अच्छा आता है, ऑप्शनल है। तो ये देखिए हमारी जो यहाँ पे वाइट सॉस है बिल्कुल तैयार है। एक तरह से आप इसे बेस भी बोल सकते हो बहुत सारी रेसिपीज़ का, क्योंकि इससे हम अलग अलग तरह की रेसिपीज़ बना सकते हैं बहुत सारी। तो हमारी जो यहाँ पे वाइट सॉस है बिल्कुल बनके तैयार है, और अभी मैं जो है फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसे ठंडा होने के बाद एक कंटेनर में, एयर टाइट कंटेनर में बंद करके फ्रिज में रख देंगे। जब भी हमें मन करेगा कि पास्ता बनाना है या फिर सूप बनाना है, कुछ भी जिससे मतलब चीज़ें बनती है, तो हम इसका यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे इसके बाद मैंने पास्ता बनाया था, सिंपल बनाया था, कोई वेजिस का यूज़ नहीं किया था। तो आप देख सकते हो बहुत ही मतलब डिलीशियस लग रहा है, टेस्टी लग रहा है, तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस सॉस का यूज़ बताऊंगी, यानी कि पास्ता बना के बताऊंगी कि किस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हो। बहुत ही ईजी, आप इसे बना के रखें यानी विद इन वीक जो है आप इसे यूज़ कर लें पर, और फ्रिज से बाहर नहीं रखना है, फ्रिज के अंदर ही रखना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आप इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ देख पाएँ।